रामायण के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी 9 बातों के बारे में बताएंगे जो आपने शायद ही कभी सुनी हो। आपको बता दें, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के अनुसार 9 लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात हमें तुरंत मान लेनी चाहिए, अन्यथा हमारा नुकसान हो सकता है। शस्त्रधारी श्री रामचरितमानस के अनुसार यदि कोई शस्त्रधारी हमें किसी काम के करने के लिए कह रहा है तो हमारी भलाई इसी में है कि हम उसका काम कर दें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। शस्त्रधारी की बात टालने पर उसे क्रोध आ सकता है और वह हम पर प्रहार भी कर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए हमें उस समय सभी बातें मान लेनी चाहिए। मर्मी यानी भेद जानने वाला, यदि कोई व्यक्ति हमारे सभी भेद जानता हो या राज जानता हो तो उसकी बात ना मानना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। भेद जानने वाला व्यक्ति नाराज हो जाए तो वह हमारे सभी राज खोल सकता है। राज की बातें सार्वजनिक होने पर कई प्रकार के विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। मालिक या बॉस, आज के दौर में एक वाक्य बहुत चर्चित है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये बात भी सच है, यदि आप बॉस के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद करेंगे तो यह आपकी नौकरी के लिए अच्छा नहीं होगा। बॉस की बात को टालना आपकी नौकरी पर बुरा असर डाल सकता है, इसलिए मालिक जो भी कहे उसे तुरंत मान लेना चाहिए। कभी कभी बॉस गलत निर्णय भी ले लेते हैं, लेकिन हमें यह वाद विवाद करके नहीं बल्कि काम करके सिद्ध करना चाहिए कि बॉस का निर्णय गलत था। सठ यानी मूर्ख, यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है और वह कुछ कह रहा है तो उसे तुरंत मान लें, अन्यथा वह आपका समय बर्बाद करेगा, बेकार के तर्क वितर्क करेगा और इन बातों को सुनने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मूर्ख व्यक्ति की बात तुरंत मान लेनी चाहिए। धनवान, धन ही सब कुछ नहीं है लेकिन धन बहुत कुछ कर सकता है। जहाँ धन की आवश्यकता है वहाँ उसके अलावा और किसी चीज से काम नहीं चल सकता, इसलिए कभी भी धनी व्यक्ति का अनादर नहीं करना चाहिए, अन्यथा जब धन की आवश्यकता होगी तो उससे मदद प्राप्त नहीं हो पाएगी। धनी व्यक्ति अपने धन से कई प्रकार के कार्यों में हमारी सहयोग कर सकता है। वैद्य यानी डॉक्टर को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। जब स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वैद्य ही इलाज करता है, इसलिए वैद्य अगर कोई सलाह देते हैं तो उसका हमें पालन जरूर करना चाहिए। भाट प्राचीन काल में अपने राजाओं की प्रशंसा करते हुए कविताएं लिखते थे और गाते भी थे, इस कारण वे राजा के प्रिय थे। रावण और मारीच के काल में भाटों का काफी महत्व था, इस कारण इनकी बातों को भी नजरअंदाज करना हानिकारक ही होता है, क्योंकि वे राजा के करीबी होते थे और अपने विरोधी को सजा भी दिलवा सकते थे। यदि हम किसी कवि का अनादर करेंगे या उसका विरोध करेंगे तो वह कविताओं के माध्यम से अपने विरोधियों की साख खराब कर सकता है। कविताएं बहुत प्रभावी होती हैं और इनसे बहुत ही कुछ सीखने को भी मिलता है, और वह बहुत खराब भी होती हैं, इसलिए कवि की बात भी तुरंत मान लेनी चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।